अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की दुनिया में आप सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं। और ये लीजिए, सलामी जोड़ी अब मैदान के अंदर आई है। बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की अगर आप बात करें, शफी आरम इस समय स्ट्राइक पे हैं। ये चले गेंदबाज पहली ओवर में, अच्छी गेंद थी कैसर लेफ्टी की, ऑफ स्टंप से बाहर ही ये गेंदबाजी रखते हैं। और स्लिप कॉर्नर में भी एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, ऐसे में वो कैचिंग पोजीशन पे जरूर हैं। 196 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे, जैसा आपने पहले इनिंग में देखा होगा। शफी आरम सोपोर की एक शान मानी जाती हैं, और आपको ये सभी एहसास है कि शफी परा, क्षमा चाहूँगा कि शफी आरम जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो कितने कारगर सिद्ध होते हैं। इस बार कैसर लेफ्टी की गेंद, लेग स्टंप के आर पार आसपास गेंद थी, गेंद को निकाला फाइन लेग की और जब तक वहां फील्ड किया जा रहा है, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इसी के साथ ये पहला रन अब बोर्ड के ऊपर 196 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। और आबिद बाबा जो हमारे ग्रेट लिसनर हैं, उनका ये घरेलू मैदान है, आशा करेंगे कि वो भी इसी मैदान में उपस्थित जरूर होंगे इस मैच को जीतने के लिए। जंगी रेड्स उर्फी जो एक बढ़िया खिलाड़ी माना जाता है, वो विकेट कीपर की भूमिका इस समय निभाते हुए कैसर लेफ्टी अगली बार फिर से आ रहे हैं और दो विकेट गेंदबाजी करने के लिए। इस बार अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद लगी थी लेकिन काफी ऊपर गेंद, नियमानुसार तो उसको आउट आप नहीं दे सकते हैं। कैसर लेफ्टी ने एक आतिशी पारी जरूर खेली थी, 6 छक्के इस गेंदबाज ने जरूर लगाए थे जब वो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर आए थे ना, तो कुल मिला के उन्होंने बड़े स्ट्रोक्स जरूर खेले हैं और कामयाब हुए हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। कैसर लेफ्टी एक बार फिर से, इस बार गेंद को उठाया, गेंद गई फाइन लेग की और वहां खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ दौड़कर एक रन पूरा किया है। एक बढ़िया प्रयास उन्होंने जरूर किया है। इशू और ताहिर इस मैच का आनंद इस समय ले रहे हैं, ताहिर विनर से ताल्लुक रखते हैं और एक कमाल के खिलाड़ी वो खुद भी हैं। आबिद बाबा लगातार हमारे साथ साझा कर रहे हैं, ब्रो आई एम आउटसाइड फ्रॉम द स्टेट। जी हाँ, आप पढ़ाई के सिलसिले में आप अमूमन बाहर होते हैं, ऐसे में आप इंजॉय करें इस मैच को लेके। हालांकि लक्ष्य एक बड़ा मिला है उनको, 196 रन जीतने के लिए करने होंगे। इस बार बढ़िया कट किया, वहाँ खिलाड़ी तैनात हैं, बैकवर्ड पॉइंट की ओर रन बनाने का संभावना नहीं है। ये पहला ओवर इस समय चल रहा है, 4 रन बिना नुकसान के बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम। सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, शफी आरम और उनका साथ देते हुए दूसरे खिलाड़ी जो 9 सेकंड एंड पे इस समय उपस्थित हैं, अगली बार फिर से प्रयास कर रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। और द विकेट कैसर लेफ्टी, इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत अंदाज में खेला, शॉर्ट कवर की ओर वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहला ओवर हुआ समाप्त, 4 बिना नुकसान के बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम। अगर आप फील्डिंग की बात करें, विकेट कीपर के अलावा स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये खिलाड़ी तीसरे दायरे के अंदर हैं। ऑफ साइड में, ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट रखा गया है, फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर हैं, थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर है। कुल मिला के ये एक पारंपरिक तौर पे हमेशा रखा जाता है, थर्ड मैन और फाइन लेग को अमूमन टीमें शुरुआत में बाहर रखते हैं 30 गज दायरे के अंदर। और ये लीजिए हिलाल गनाई जो हमारे गांव के एक बढ़िया पर्सनैलिटी मानी जाती हैं, और वो भी इस समय हमारे लाइव प्रसारण में आ चुके हैं। मैं हिलाल भाई का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हाल ही में मुझे एक तोहफा दिया है, हालांकि वो मुझे
बड़ा तोहफा देना चाहते थे लेकिन मैंने काफ़ी मना किया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बिना बोले हुए एक बड़ा रिचार्ज डाला है अपने मोबाइल में। हालांकि ये एक बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है, उतनी बातचीत मैं उनसे नहीं करता हूँ क्योंकि जो काफ़ी इज्जतमंद इंसान होते हैं आप जानते हैं उनसे के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, लेकिन उन्होंने मुझे 500 का रिचार्ज डाला है और वो भी बिना बोले हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आप किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको वो सहारते हैं, तो देख के अच्छा लगता है। इस बार अच्छी गिनती, इस बार अंदरूनी किनारा लगा था और गेंद गई थर्ड मैन की ओर, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं और इसी के साथ वादिया कश्मीर के एक और बड़ा चेहरा लोन माही जो हैं वो इस समय हमारे लाइव प्रसारण में आ रहे हैं। फोटोग्राफी की दुनिया में वो भी एक बड़े जगह पे इस समय उपलब्ध हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज के मैच में हैं बिलाल सुल्तान जो वादिया कश्मीर में के अंदर एक और बड़ा नाम उभर के आ रहा है। ऐसे में क्रिकेट के लिहाज से अच्छा कार्य जरूर किया जा रहा है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, वहां मिस फील्डिंग हुई, गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए एक खराब शॉट, एयर सिक्स ही नसीहत देते हुए, और इस बार शफी आरम के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ। शफी आरम एक लेजेंडरी खिलाड़ी के तौर पे उनको देखा जाता है और अमूमन जब उनका बल्ला चलता है तो फिर आप सभी को एहसास है कि वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। हम लोन माही के धन्यवाद करते हैं कि वो लगातार हमारे लाइव में आकर हमारी लाइव को और भी शान बढ़ाते हैं। इस बार अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, इस बार गाइड किया था, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की ओर, वहाँ खिलाड़ी उमर गाजी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं है। कलीम बट जो तारजुआ से जहाँ पे कश्मीर का आईपीएल डब्ल्यूपीएल खेला जाता है, कलीम भाई उन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी के बाशिंदे हैं ये, ऐसे में वो भी अपना सहयोग हमें ज़रूर देते हैं। सैम भी हमारी कमेंट्री की सराहना करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइव प्रसारण को लगातार शेयर करते रहेंगे ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ पाएंगे। इस बार अच्छी गेंद, बैक फुट पे जाकर गेंद को धकेला था, गेंद गई गली क्षेत्र की ओर, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का वहाँ संभावना नहीं है। लोन बिलाल भी इस समय लाइव प्रसारण को देख रहे हैं और लिख रहे हैं लव यू लवली, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, जो आप सम्मान जो आप सपोर्ट करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी आने वाले समय में भी मुझे सहयोग ज़रूर करेंगे। लोन माही लिख रहे हैं कि कीप डूइंग सर, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, धन्यवाद, शुक्रिया लोन माही, आप मेरे लिए इतना सम्मानित अल्फाज लिख रहे हैं और इससे पता चलता है कि शायद मैं अच्छा काम ही कर रहा हूं क्रिकेट के लिहाज से। और ये लीजिए, और ये तो मैंने कल्पना भी नहीं की होगी, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वादिया कश्मीर के सबसे होनहार खिलाड़ी जहांगीर लोन इस समय हमारे लाइव प्रसारण में आ रहे हैं। जहांगीर भाई, हम आपका दिल की उम्मीद गहराई से धन्यवाद करते हैं। हालांकि उनके जीवन की अगर आप बात करें, जहांगीर भाई उनसे काफ़ी बातचीत होती है, काफ़ी नज़दीकी ताल्लुकात जहांगीर भाई से मेरे हैं, अगर आप उनसे जाकर पहुंचे हैं, ये नौपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं छोटे कस्बे वोगुप सोपोर से, उतना कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है, ऐसे में जहांगीर भाई से हमेशा हमारी बातचीत होती है। जहांगीर भाई, आपके कैरियर के लिए, आपके मैचेस के लिए लवली उमर और इस मंच के माध्यम से हम ढेर भरी दुआएं आपके लिए भेजते हैं। इंशाल्लाह आप वादिया कश्मीर के कोहिनूर हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप आने वाले समय में वहां ज़रूर जाके पहुंच जाएंगे जहां आप अपने कैरियर को देख रहे हैं। लवली उमर की दुआएं हमेशा आपके साथ रहेगी। आपके दोस्त विकेट कीपर इस समय मौजूद हैं, उर्फी के दोस्त जहांगीर लोन इस समय लाइव प्रसारण को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, और उर्फी जब शायद मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही थी और उन्होंने बहुत ही हंसमुख चेहरा उनका था, और क्यों नहीं जब दोस्त दोस्त का मैच देख रहा है और वो भी दोस्त जो वादिया कश्मीर का सबसे ऊपरी क्रम पे खिलाड़ी होगा, तो कहीं ना कहीं खुशी और भी ज़्यादा दुगनी बढ़ती नजर आ रही है। दो ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बिना नुकसान के बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम दूसरे छोर से अब कैसर लेफ्ट आए हैं और द विकेट गेंदबाजी बाएं हाथ के, इस बार आगे निकलकर गेंद को डीप मिड विकेट की ओर से खेला और दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर उनको वो भारी लक्ष्य छूना है तो इस तरह के खिलाड़ी जो हैं
इस तरह के बड़े स्ट्रोक्स आपको हमेशा खेलने पड़ेंगे। एक कमाल का स्ट्रोक था, आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक था। तो गेंद गई बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। इन चार रनों के साथ 16 रन बिना नुकसान के बाबा क्रिकेट क्लब की टीम। ये जो सलामी जोड़ी है, ये पारी का चौथा तीसरा ओवर इस समय चल रहा है, 16 रन बिना नुकसान के। हालांकि जंगी रेड शुरुआत में ही उनके विकेट आउट जरूर हुए थे। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर और फिर भी चूकते नजर आ रहे, लेकिन अंत में एक अच्छा प्रयास किया गया, तब जाके एक रन से रोकना नहीं पाएंगे यहां दोनों बल्लेबाजों को। और इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना नुकसान के बाबा क्रिकेट क्लब की टीम। शफी आरम इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं और तकनीकी रूप से ये बहुत ही सक्षम हैं, ये सभी को मालूम है। अगली बार फिर से बढ़िया कट किया, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, एक अच्छी फील्डिंग, चीते की तरह अपनी दही की ओर छलांग लगाकर उन्होंने इस गेंद को रोका। रन बनाने का संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि बढ़िया स्ट्रोक था, कट किया था, इस बार शफी आरम ने जानबूझ के खेला था, स्ट्रोक में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बार प्लेसमेंट दौड़ने में ये पूरी तरह से असफल जरूर हुए थे। हालांकि एक बढ़िया स्ट्रोक जरूर कह सकते हैं। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं कैसर लेफ्टी ऑफ द विकेट, बल्ले से तो ठीक ठाक रन उन्होंने आज जरूर बनाए हैं। अगली बार इस बार बढ़िया क्लाइव का उपयोग, गैप में खेला गया स्ट्रोक और वहां गेंद को रोका गया है। अंपायर की प्रतीक्षा में हम जरूर हैं, अंपायर का इशारा अब तक कुछ नहीं आया है, कुछ समय के बाद वो अपना इशारा जरूर करेंगे। मेरे विचार में उसको चौका देना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी बिल्कुल भी उनके पीछे नहीं है और अब गेंद को यहां चौका दिया गया है। इन चार रनों के साथ 17 रन, ये पारी का तीसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज। शफी आरम के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ, अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास पैडों पे टकराई थी, अपील हो रहे हैं, लेकिन इस बार अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं और इसी के साथ उन्होंने एक रन दौड़कर पूरा किया है। लगातार शफी जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि रन बटोरे जाए, स्ट्राइक रोटेट करे जाए। अगर स्ट्राइक आप लगातार रोटेट कर रहे हैं तो इस तरह की दिक्कतें आपके ऊपर फिर नज़र नहीं आती हैं, ये आप पारंपरिक तौर पे हमेशा देखा जाता है। खिलाड़ी इस समय आपने अगल बगल के ओर बिल्कुल देख रहे हैं, थोड़ा सा दायां थोड़ा सा बायां वो देख रहे हैं कि खिलाड़ी अपनी निर्धारित जगह पे कहाँ मौजूद है, उपस्थित है। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल भी हुआ था, लेकिन सम्मान के साथ गेंद को बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, कैसर लेफ्टी ने जाकर गेंद को खुद फील्ड किया। रन बनाने का संभावना नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 17 रन बिना नुकसान के बाबा क्रिकेट क्लब की टीम। 196 रन, एक बड़ी लक्ष्य इसको माना जाता है और वो केवल 18 ओवर्स में उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। हालांकि मुश्किल तो ये ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, जैसा आप जानते हैं। अगली बार फिर से और दो विकेट आ रहे हैं, इस बार कदमों का इस्तेमाल, खेलना चाह रहे थे, वहाँ अपील कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी कि विकेट कीपर और गेंदबाज आपस में इस समय अपील कर रहे हैं, लेकिन अपील हो रही है, लेकिन विश्वास कम और उत्साह ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। खासतौर से अगर आप उर्फी की बात करें, उतने आत्मविश्वास से वो अपील नहीं कर रहे थे और ऐसे में अंपायर का निर्णय अभी आना बाकी है और इसी के साथ उन्होंने उसको नकारा और इसी के साथ ओवर की भी समाप्त जरूर हुई है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बिना नुकसान के बाबा क्रिकेट क्लब की टीम। दूसरे छोर से एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, ये पारी का चौथा ओवर। मुद्दू शाह हमारी कमेंट्री की सराहना करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर से आ रहे, इस बार शॉर्ट गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, बैक फुट पे वीरेंद्र सहवाग की तरह दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए।
शफी आरम के बल्ले से एक और बढ़िया स्ट्रोक था। जैसा मैंने शब्दों में कहा था कि ये जो स्ट्रोक था ये वीरेंद्र सहवाग की उन्होंने याद जरूर दिलाई थी। खड़े खड़े स्ट्रोक खेला था, शॉर्ट कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, जानबूझ के उन्होंने ये हवा में खेला था और गेंद बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। इन चार रनों के साथ 22 रन ये पारी का चौथा ओवर। अगली बार फिर से इस बार ओवर पे गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी आ रहे हैं और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। डीप पॉइंट के खिलाड़ी आ रहे थे और उन्होंने एक अच्छा कैच लिया गया और इसी के साथ शफी आरम आउट हो चुका है। वो निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। हालांकि कुछ अच्छे स्ट्रोक्स उन्होंने जरूर खेले थे ये मानना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी मछली यहाँ जाल में फंस जरूर चुकी है। क्लीम बट जैसा एक बढ़िया पर्सनैलिटी है, WPL की शान उनकी मानी जाती हैं। लिख रहे हैं कि शफी सहवाग का नाम मैंने इसलिए यहाँ बोला था क्योंकि बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रोक उन्होंने पिछले गेंद पे ज़रूर खेला था, बिल्कुल खड़े खड़े, और कितना अच्छा संपर्क उस समय बल्ले और बैट के बीच लगा था। लेकिन अब वो वापस जा रहे हैं निराश कदमों के साथ। हालांकि उन्होंने कुछ अच्छे स्ट्रोक ज़रूर खेले थे, लेकिन अब वापस ज़रूर जा रहे हैं। मोहम्मद शफी ने 13 रन जरूर बनाए हैं, 3 चौके उनकी पारी में। अब साकिब आए हैं बल्लेबाजी, राशिद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शफी आरम के आउट होने के बाद अब राशिद आए हैं। कोशिश ही होगी राशिद की कि एक अच्छी साझेदारी यहाँ बनाएं अपनी टीम के लिए, लेकिन उतना आसान नहीं होगा जैसा आप सभी जानते हैं। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। 22 रन ये पारी का चौथा ओवर। इस बार अच्छी गेंद थी, चारू खाने चित किए थे यहाँ, लेकिन एक अच्छी गेंद गई उर्फी के हाथों में जो विकेट कीपर की भूमिका निभाते हैं। रन बनाने का संभावना नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 23 रन एक विकेट के नुकसान पे। और आउट होने वाले खिलाड़ी शफी आरम जो पिछले ही गेंद पे कैच आउट कराया गया वहाँ, और 13 रन उन्होंने ज़रूर बनाए थे। पीर मुर्तजा लिख रहे हैं कि आप बैकग्राउंड भी दिखाओ, अगर हम बैकग्राउंड दिखाएंगे तो पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा दुविधा। इस बार अच्छी गेंद झट में, बॉलर्स बैक ड्राइव खेला इस बार राशिद ने, रन बनाने का संभावना नहीं है। ये पावर प्ले इस समय चल रहा है, जो शुरुआती 6 ओवर होते हैं पावर प्ले ओवर होते हैं उनमें से आपको रन बटोरने होंगे अगर आपको इस मैच को अपने नाम करना है तो। अगली बार फिर से आ रहे हैं ओवर द विकेट। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी और फिर ने बढ़िया काम, छलांग लगाकर दाएं की ओर उन्होंने इस गेंद को अपने दस्तानों में लिया। रन बनाने का संभावना नहीं, हालांकि अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा उनके खाते में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस एक अतिरिक्त रन के साथ 24 रन ये पारी का चौथा ओवर इस समय चल रहा है। शफी आरम आउट होने वाले खिलाड़ी जरूर हैं, अगली बार फिर से आ रहे हैं और दो विकेट। इस बार अच्छी गेंद अंदरूनी सरा लगा, गेंद फाइन लेग की ओर जा रही है, खिलाड़ी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक वहां फील्ड की जा रही है तब तक आसानी के साथ उन्होंने दो रन अर्जित किए हैं। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन एक विकेट के नुकसान पे ये पारी का चौथा ओवर। कुल मिला के 196 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। ये जो सलामी जोड़ी जो राशिद और दूसरे खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर उपस्थित हैं, उनको एक साझेदारी की सख्त ज़रूरत है। इस बार अच्छी गेंद थी, आगे की गेंद, इस बार स्विंग की गेंद को, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन एक विकेट के नुकसान पे और आउट होने वाले खिलाड़ी शफी आरम जिन्होंने 13 रन बनाए हैं। हालांकि उन्होंने 3 चौके तो ज़रूर जड़े थे अपनी पारी में, लेकिन उसके बाद एक खराब शॉट खेलकर उन्होंने अपनी विकेट यहां जरूर दिलाई है।
गेंदबाजी में शायद बदलाव किया जा रहा है और देखना होगा कैसर लेफ्टी को तीसरा ओवर ये करा सकते हैं या नहीं। लेकिन इस समय वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब कैसर लेफ्टी को गेंद थमा दी गई है, यानी कि वो अपने कोटे का तीसरा ओवर, इस पारी का पांचवा ओवर करेंगे अब। ओवर द विकेट साइड स्क्रीन एंड से स्लिप कॉर्नर में अब कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। फाइनल का खिलाड़ी भी 30 गज दायरे के अंदर हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन जितना अच्छा ये स्ट्रोक था तो उससे बेहतर वहां फील्ड की गई फाइनल के द्वारा। निश्चित तौर पर उन्होंने 3 रन जरूर बचाए हैं अपनी टीम के लिए इस एक रन के साथ, 26 रन। ये पारी का पांचवा ओवर कैसर लेफ्टी जरूर डाल रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, प्लेसमेंट ढूंढने में कुछ हद तक कामयाब जरूर हुए थे, लेकिन फाइनल के खिलाड़ी ने छलांग लगाकर इस गेंद को जरूर रोका, 3 रन जरूर बचाए हैं अपनी टीम के लिए। डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं, कैचिंग पोजीशन पे रखे गए हैं। डीप मिड विकेट का खिलाड़ी हैं, उसको थोड़ा सा वाइडिश किया जा रहा है और ऐसे में देखना होगा कि बल्लेबाजी किस तरह की रणनीति अपनाएंगे। लेग स्टंप से काफ़ी बाहर, शायद पैड पे ये गेंद लगी थी, उसी कारण से वाइड का भी इशारा नहीं आ रहा है। इस एक रन के साथ 27 रन, ये पारी का पांचवा ओवर। शोवी लोन, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बायोकियर फैमिली। बायोकियर एक टीम है और मुझे लग रहा है कि क्रिकेट को लेके अगर आप देखें तो लगातार अपने विचार साझा जरूर करते हैं, स्पॉन्सरशिप भी दे रहे हैं, तो कुल मिला के एक अच्छी भागीदारी बायोकियर फैमिली जरूर दे रहे हैं क्रिकेट को लेके। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घ में, यह पहला छक्का, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था ये, और जितनी तारीफ करे इस स्ट्रोक की वो बहुत ही कम है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जब आप छक्का दागते हैं ना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो एक्शन रिप्ले दिखा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने ये छक्का जरूर जड़ा था। काफी ऊपर ये गेंद थी और एक अच्छी नसीहत दी गई वहां बल्लेबाजी के दौरान। कैसर लेफ्टी को इस बार एक अच्छा छक्का लगाया गया, 33 रन बोर्ड पे। इस बार अच्छी गेंद, थर्ड मैन की ओर से धकेलना चाह रहे थे, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, अच्छा पूरा अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है अब तक। ये पारी का पांचवा ओवर, 33 रन, एक विकेट के नुकसान पे और आउट होने वाले खिलाड़ी शफी आरम, जिन्होंने कुछ दर्शनीय स्ट्रोक जरूर खेले थे, अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं खेलने के लिए। डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट दो खिलाड़ी उन्होंने 30 गज दायरे के बाहर रखे हैं कैचिंग पोजीशन पे। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान के साथ गेंद को खेला, अच्छा कॉल उन्होंने आपस में जरूर किया है, बढ़िया तरीके से उन्होंने ये रन जरूर दौड़ा है। इस एक रन के साथ 34 रन, एक विकेट के नुकसान पे बाबा क्रिकेट ऋषि की टीम। तनवीर सोफी लगातार हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, जैसा हमेशा मैं आपको कहता हूँ, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, एक उस्ताद के तौर पे वो अपनी भूमिका ज़रूर निभाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपको खेलना भी बहुत जरूरी है। इस बार कदमों का इस्तेमाल और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का, क्या स्ट्रोक लगाया गया है इस बार। और कैसर लेफ्टी ने जब बल्ले से छक्का लगाया था तो वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे उस समय, लेकिन इस बार उनके विपरीत, उनकी गेंदबाजी पे लगातार दो छक्के निकलते हुए, इस छक्के के साथ 40 रन बोर्ड पे। पांच ओवर हुए समाप्त, 40 रन, एक विकेट के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम। तो यहाँ पर कुछ नोट्स हमारे उनको साझा करने के लिए
कामकाज। लगातार पिछले ओवर में दो छक्के जरूर लगाए गए हैं। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन एक विकेट के नुकसान पे अबरार भट्ट हबीबुल्ला फ्रॉम डुंगडारा। और जी हाँ, हबीबुल्ला सर के तो क्या कहने हैं, डुंगडारा तो टॉप क्रिकेट के लिए जानी जाती हैं। और ऐसे में अंडर विलेज लेवल टूर्नामेंट हालिया दिनों में वहाँ हो रहा है और क्रिकेट के लिहाज से बहुत बहुत बढ़िया काम करते हैं इस बार क्लाइव के उपयोग से। और गेंदगी दर्शक दीर्घा में एक और छक्का, बहुत ही बढ़िया छक्का राशिद के बल्ले से, खूबसूरत स्ट्रोक था लेग स्टंप के आसपास। अगर आप गेंदबाजी इसी तरह से करते रहेंगे तो इसी तरह का हशर ये जो बल्लेबाज है वो आपका करेंगे। ये जाने जाते हैं बड़े स्ट्रोक्स खेलने में। ऐसे में अगर आप वहां पे गेंदबाजी करते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो दबाव में जरूर हैं। दर्शकों की संख्या लगातार मैदान के अंदर बढ़ती नजर आ रही है और जैसा वो घमासान देखना चाहते हैं जो एक दर्शक के तौर पे आप देखते हैं जब आप मैदान के अंदर आते हैं। इस बार ऑफ स्टंप से काफी आगे गेंद थी, वहां रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, हालांकि शुरुआत में उन्होंने नकारा था लेकिन उसके बाद बड़ी आसानी के साथ उन्होंने एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ 42 रन बोर्ड पे एक विकेट के नुकसान पे बाबा क्रिकेट क्लब की टीम। आकी मीर ब्रो प्लीज आस्क स्कोरर टू स्टिल्ट नेक्स्ट टू यू इफ फॉर टू बी इजी इफ यू ऑल। जी हाँ, मैंने तो उनको साकी भाई काफ़ी बार विनती की है लेकिन वहाँ कमेंट्री छोड़ से भी कुछ कमेंटेटर्स हैं उनको भी इस बार गेंद हवा में और इस बार वो भाग्यशाली रहे कि गेंद उनके बिल्कुल सामने गेंद गिरी है और इस एक रन के साथ 42 रन बोर्ड पे ये पारी का छठवां ओवर यानी कि इस पावर प्ले का ये अंतिम ओवर अब चल रहा है। इसके बाद आप पांच खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश होगी उन कि अंत तक खेलने की जरूरत। अगले बार फिर से आ रहे हैं, इस बार सिर्फ लेग स्टंप के आसपास से गेंद थी और पैरों पे ये जरूर गेंद लगी थी, हालांकि हल्की सी वहां अपील जरूर की गई गेंदबाज के द्वारा, रन बनाने का संभावना नहीं है। ये पारी का छठवां ओवर कुल मिला के 42 रन एक विकेट के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम। 196 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे और देखना होगा क्या वो उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं या नहीं। अब तक ये लगातार प्रयास कर रहे हैं लगातार बड़े स्ट्रोक्स खेलने का लेकिन अब तक ये सफल जरूर हुए हैं, एक विकेट अब तक उनको जरूर खोए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी शफियारम, इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, शॉर्ट्स के लेग पे खिलाड़ी रखा गया है, एक बढ़िया फील्डिंग वहां जरूर हुई, रन बनाने का संभावना नहीं है। ऑफ साइड में बिल्कुल उन्होंने एक दायरा सा बनाया है, गली पे भी खिलाड़ी हैं, गली कवर पॉइंट शॉर्ट कवर मिड ऑफ ये ऑफ साइड पे फील्ड उन्होंने रखी है वहां पे 30 गज। इस बार बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन इस बार बल्ले और बैट के बीच संपर्क नहीं लगा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन एक विकेट के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम। दो बल्लेबाज जो हैं वो इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए और किस तरह के स्ट्रोक्स वो यहाँ से खेल पाएंगे, शायद यही इस समय बातचीत वो जरूर कर रहे हैं। साकिब मीर रेस्ट द वे यू आर डूइंग द कमेंट्री इज जस्ट स्पोर लव इट। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई, लगातार इसी तरह से सहयोग करते रहें, आने वाले समय में भी इंशाल्लाह
मुझे उम्मीद है कि वादिया कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े मैच हैं हम वो लाइव प्रसारण करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अगर यहाँ क्रिक हीरो का उपयोग वो करते तो जैसा व्यूवर्स के लिए भी मैं स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन के सामने लाता, वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन वो तब किया जाता है जब क्रिक हीरो का उपयोग आप करते हैं। किसी भी टूर्नामेंट के लिहाज से अगर आप बात करें, शाह दानिश जो हमारे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के ग्रेट लिसनर हैं और महनवाज भाई के जो हमारे सहयोगी कमेंटेटर हैं उनके जीवन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। 196 का लक्ष्य मिला है। गेंदबाजी में अब बदलाव किया जा रहा है, शाहिद को गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं जो ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। मोबाइली जून लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, जहां कुछ विचलित नाम भी हमारे वादिया कश्मीर में रखते हैं। फैम बिला लिख रहे हैं कि फ्रॉम उठुरा, लवली कॉमेंट्री, अगली बार शाहिद आ रहे हैं, इस बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर, अच्छा काम किया विकेट कीपर ने वहाँ, लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ 44 रन बोर्ड पे। और ये लीजिए बिरिर गाल लिख रहे हैं कि बिलाल सुल्तान को इस समय ढूंढा जा रहा है, बिलाल सुल्तान इस समय अपना कार्य कर रहे हैं, जैसा वो आप जानते हैं कि वो ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं, और ऐसे में और इस बार क्लीन बॉल शाहिद ने इस खिलाड़ी को किया है, और इस बार कदमों का इस्तेमाल और ज़्यादा मालूम नहीं था, और गेंद जाकर सीधे डंडे पे, एक और विकेट का वहाँ पतन होता हुआ। बिलाल सुल्तान इस समय अपना कार्य जरूर कर रहे हैं, जो मैदान के अंदर इस समय उपस्थित हैं, मौजूद हैं, और लगातार वो प्रयास जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जो फोटोग्राफर होते हैं हमारे कश्मीर के आजकल जो आधुनिक क्रिकेट में, जो मॉडर्न क्रिकेट में देखने को मिलते हैं, उनकी ओर से भी ये क्रिकेट एक अलग मुकाम पे जाके ज़रूर पहुंच चुका है। तो ऐसे में कहीं हर एक काम बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। और ये लीजिए बिलाल सुल्तान, वादिया कश्मीर के एक बढ़िया फोटोग्राफर इस समय आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, जैसे वो विकेट कीपर से इस समय बातचीत ज़रूर कर रहे हैं। नए खिलाड़ी अब जावेद आए हैं मैदान के अंदर, 45 पे दो खिलाड़ी आउट जरूर हो चुके हैं, 196 उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। ये पारी का सातवां ओवर, 45 रन दो विकेट के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम, और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं इस मैच को जीतने का, लेकिन उतना आसान नहीं होगा उनके लिए, जैसा आप सभी जानते हैं। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं शाहिद, जिन्होंने इसी ओवर में एक खिलाड़ी को क्लीन बॉल्ड जरूर किया है। शाहिद ओवर द विकेट आ रहे हैं, इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, नियंत्रण में नहीं है, गति पे लगातार वो ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में जब आप गति का उपयोग करते हैं तो आपको अपनी लाइन पे खासा ध्यान देना होता है, जब आप एक खिलाड़ी के तौर पे देखते हैं। इस अतिरिक्त रन के साथ 146 रन बोर्ड पे ये पारी का सातवां ओवर इस समय कर रहे हैं। जावेद इस समय स्ट्राइक पे हैं, इस बार अच्छी गेंद, झेड में गेंद, सम्मान स्टाइलिश के अंदाज में गेंदबाज को बॉलर्स बाइक ड्राइव खिला, और जैसे वो इस समय दिखा रहे हैं, आप देखिए, आप चित्र देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, हालांकि रन नहीं बना है, लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक ये जरूर माना जा रहा है। ये पारी का सातवां ओवर, 46 रन दो विकेट के नजर, इस बार शॉर्ट गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला, शॉर्ट कवर
डीप स्केरले की ओर से वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर एक रन जरूर पूरा किया है। इस एक रन के साथ 47 रन बोर्ड पे। तावहीद अहमद लिख रहे हैं कि लोन माही बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ कश्मीर वैली। तावहीद बिल्कुल सही कहा आपने, उसको काफ़ी समय हुआ है इस क्षेत्र में काम करने का और ऐसे में उन्होंने अपना नाम ज़रूर बनाया है। नए नए जो चेहरे हैं वो भी अच्छा काम ज़रूर कर रहे हैं। आपने सही कहा है कि वो भी एक बड़ा चेहरा है हमारे कश्मीर का, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अच्छा काम करते हैं हम उसको हमेशा सम्मान देते हैं। ये पारी का आठवां ओवर इस समय चल रहा है। शफी आरम भी आउट हो चुके हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक लेकिन प्लेसमेंट ढूंढने में असफल और खिलाड़ी वहां मौजूद हैं शॉर्ट कवर पे। कोई गलती नहीं और एक अच्छा कैच लिया गया और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। ये तीसरी विकेट का वहां पतन होता हुआ बहुत ही निराश कदमों के साथ वो वापस जा रहे हैं। डार फिरदौस लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम फिरदौस फ्रॉम टंगमग। फिरदौस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वानी आशिक लिख रहे हैं लॉट्स ऑफ लव कश्मीर सपोर्ट्स वॉच, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक भाई, आप सम्मान करते हैं। और लवली ग्रेट कमेंटेटर, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी व्यूवर्स इस समय हमारे बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत कम समय है हुआ है इस क्षेत्र में काम करने का और ऐसे में इंशाल्लाह आने वाले समय में भी मैं इस काम से जुड़ा रहता हूँ और मुझे लग रहा है कि सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है जैसा आप हमेशा मालूम होता है। ये पारी का आठवां ओवर था। शाहिद ने एक और विकेट का वहां पतन लिया है। अब जहूर आए हैं मैदान के अंदर खेलने के लिए। जहूर और जवेद इस समय मैदान के अंदर आए हैं, एक अच्छी जोड़ी इसको समझा जा सकता है। आज कोशिश होगी उनकी कि अपनी टीम को अगर वो जिताने में यहां से कामयाब होंगे तो एक हीरो के तौर पे ये दो खिलाड़ी उभर के आएंगे। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी शाहिद की, ये अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। इस एक रन के साथ 51 रन बोर्ड पे। ये पारी का आठवां ओवर इस समय शाहिद डाल रहे हैं और द विकेट जो साइड स्क्रीन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। जहूर उनका सामना करेंगे। जहूर एक लेजेंड खिलाड़ी हैं, बहुत तकनीक है उनमें इस क्रिकेट में खेलने के लिए। ऐसे में वो लगातार खेल रहे हैं, अपनी जो भागीदारी है वो मैदान के अंदर ज़रूर दे रहे हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, शाहिद का ये ओवर हुआ समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन 3 विकेट के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम। और ये जो जोड़ी इस समय मैदान के अंदर है, सबसे बढ़िया जोड़ी उनको मानी जाती है जहूर और जवेद। जवेद इस समय स्ट्राइक पे हैं, जंगी रेड्स जिसके लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर वही काम किया है। गेंदबाजी में एक और बदलाव, जवहर खान को लेकर आए हैं वो। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 51 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 196 का लक्ष्य का वो पीछा जरूर कर रहे हैं जैसा आप जानते हैं। जवेद इस समय जवहर खान का सामना करेंगे। एक स्पिन आक्रमण अब लाया गया है, जवहर और दो विकेट आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप से बाहर ये गेंद थी, वाइड का इशारा यानी कि अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ 52 रन, ये पारी का 9वां ओवर जवहर खान इस समय डाल रहे हैं और दो विकेट, ये उनके कोटे का पहला ओवर इस समय जरूर कर रहे हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं जावेद के लिए और दो विकेट। इस बार बढ़िया गेंद, छेड़ में गेंद, गाइड करना चाह रहे थे
थर्ड मैन की ओर, लेकिन अंदरूनी बाग लगा रन बनाने का संभावना नहीं है। फुटबॉल के भी समर्थन हमारे लाइव में मौजूद है। लोन मुदसर जो एक युवा खिलाड़ी हैं, वो फुटबॉल के एक स्टार माने जाते हैं, हालिया दिनों में उनकी काफ़ी बातचीत भी होती है, ऐसे में वो भी अपनी भागीदारी हमारे लाइव प्रसारण में देख रहे हैं। होप वी हियर यू सून इधर फ्रॉम IPL और इंटरनेशनल लेवल बिकॉज यू हैव ग्रेट टैलेंट। साकिब मीर ऐसा हमारे बारे में लिख रहे हैं। साकिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, IPL के बारे में आपने ज़रूर बातचीत की है। मुझे लग रहा है कि जितने भी ये लवली उमर एक कमेंटेटर नहीं है वादिया कश्मीर, आपको ये मालूम है, बहुत सारे कमेंटेटर ज़रूर होते हैं, लेकिन IPL वहाँ पे जाना मुझे लग रहा है कि कश्मीरियों के लिए नामुमकिन सा है, लेकिन भारत में जो बड़े बड़े लीग्स हैं झारखंड प्रीमियर लीग, वहाँ हम ज़रूर जा सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को खेला शॉर्ट कवर की ओर, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, रन दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में नो स्ट्रेकिंग एंड ने नकारा, रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये पारी का 8वां ओवर, 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे अब तो स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, क्योंकि लगातार अगर आप डॉट गेंदे खेलेंगे तो दबाव निश्चित तौर पे बढ़ता नजर आ रहा है। इस बार हवाई में गेंद और वहां कोई गलती नहीं की केसर लेफ्टी ने, जो गली क्षेत्र के अंदर मौजूद था, उन्होंने इस बार कोई गलती नहीं की। जौहर खान के पहले ओवर में उन्होंने एक दचका उनको जरूर दिया है, ये पहली विकेट का वहां पतन होता हुआ। जावेद के आउट होने के बाद अब एजाज आए हैं मैदान के अंदर, 6 नंबर की जर्सी में वो खेल रहे हैं और उसका साथ देते हुए लेजेंडरी खिलाड़ी जहूर। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसा मैं बातचीत आपके साथ यही कर रहा था कि अगर आप लगातार डॉट गेंदे खेलें तो फिर दबाव आपके ऊपर चला जाता है, आप एक खराब शॉट खेलकर विकेट जरूर देते हैं, जैसा जावेद के साथ हुआ है। फिलहाल एजाज आए हैं जावेद के स्थान पर। जाना मीर लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई एम एक्साइटिंग टू सी माई टीम इन द फाइनल्स, दैट देयर वर बिग टीम्स इन द टूर्नामेंट इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वैली। बाबरी क्रिकेट क्लब, निश्चित तौर पे अगर आपकी टीम फाइनल तक पहुँचते हैं तो वो भी एक उपलब्धि ज़रूर होती है, ऐसा हम मानते हैं और स्वीकार भी करते हैं, लेकिन फाइनल में जाकर अगर आप खराब प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छे संकेत नहीं होते हैं। और लेकिन इस मुकाम पे आप 5-6 टीमों के पीछे छोड़कर ये जो स्थान हासिल करते हैं ना, तो वो अपने आप में काबिलियत ज़रूर है। पारी का 8वां ओवर, जौहर खान और दो विकेट डाल रहे हैं, 4 विकेट अब तक आउट हुए हैं, 55 रन 4 विकेटों के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम अगली बार फिर से आ रहे हैं। जौहर खान और दो विकेट, कुछ विचलित एक्शन है। इस बार अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप से काफ़ी बाहर थी, हालांकि खेलना चाह रहे थे लेकिन बल्ले के साथ ये गेंद नहीं लगी है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 4 विकेट के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम 196 रन उनको मैच जीतने के लिए बनाने होंगे, जो भारी बड़ा लक्ष्य माना जाता है। लेक्चर नसीर फ्रॉम तुजन पुलवामा, माई सेल्फ ऑल्सो ए पोर्ट टाइम कमेंटेटर, जी हाँ, किसी के पास भी काबिलियत अगर हैं, और सबसे बढ़िया बात मैं हमेशा मानता हूँ कि खेल के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए और आप कमेंट्री ज़रूर कर सकते हैं, और जैसा आपने खुद लिखा है कि कभी कभी आप कमेंट्री भी करते हैं, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में मौका मिला अल्लाह ताला ने वो मौका आपके साथ ज़रूर कमेंट्री करेंगे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था और इस बार गेंद को उठाया लॉन्ग ऑफ की ओर से और गेंद गई दर्शक दीर्घ में, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक था एजाज के बल्ले से, काफी ऊपर गेंद ये थी फुल टॉस, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की उन्होंने। इस 6 रन के साथ 57 रन बोर्ड पे ये पारी का 9वां ओवर इस समय चल रहा है। उर्फी खुद शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद हैं, कैचिंग पोजीशन पे उनको रखा जा रहा है, ऑन साइड में
दो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक गैप में खेला गया, डिप्स करने के ऊपर से दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौका एजाज के बल्ले से निकलता हुआ, इन चार रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 71 रन। ये पारी का नौवां ओवर इस समय चल रहा है, 196 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। तो अब तक अगर आप देखें लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं इस मैदान में अपनी छाप छोड़ने का, और ये तो पूरी तरह से दोनों खिलाड़ियों के अंदर, दोनों टीमों के अंदर एक तरह से ये लड़ाई भी होती है, क्योंकि हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, और ऐसे में एक अच्छा मैच देखने को जरूर मिल सकता है। फिलहाल 71 रन अब तक बोर्ड पे जरूर लग चुके हैं। शायद की अगली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार बैक फुट पे जाकर गेंद को गाइड किया, वहाँ गृह क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी मौजूद था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक आसानी के साथ उन्होंने दौड़ कर एक रन पूरा किया है। इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड लगातार आगे बढ़ता हुआ, लगातार वो प्रयास जरूर कर रहे हैं बड़े स्ट्रोक लाने में। ये पारी का नौवां ओवर इस समय चल रहा है, 65 रन 4 विकेट के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम अगली बार फिर से आ रहे हैं, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद गैप में धकेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार उस तरह का स्ट्रोक नहीं लगा जोर के बल्ले से। हालांकि निराश तो जरूर नजर आ रहे, अपने शरीर को हिला भी रहे थे, वो शायद बता रहे थे कि इस गेंद पे मैं छक्का या चौका लगा सकता था, लेकिन इस बार नहीं है। ये पारी का नौवां ओवर इस समय चल रहा है, ओवर तो विकेट गेंदबाजी हो रही है, लगातार ऑफसाइड की चैनल पे गेंदबाजी। इस बार अच्छी गेंद, अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर जाकर गेंद को उठाकर उन्होंने गेंदबाज को गेंदबाजी वापस गेंद दी है। रन बनाने का वहाँ बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लवली उमर उनसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है इस मैच के लिहाज से? मुझे जमकी रेड्स तो काफ़ी आगे लग रहे हैं, लेकिन आप अपने विचार हमारे साथ साझा ज़रूर करते हैं, तब जाके अच्छा ज़रूर लगता है। इस बार शॉर्ट गेंद और अंदरूनी किनारा, हमारे कैमरामैन को वहाँ गेंद ज़रूर लगी है, जो बिल्कुल मेरे भाई की ओर गेंद लगी थी, बाल बाल बचे, अगर कैमरा को यहाँ गेंद आती तो काम तमाम ज़रूर हुआ था, लेकिन बढ़िया काम उन्होंने जरूर किया है, कैमरा को यहाँ जरूर उन्होंने बचाया है, बाल बाल बचे। और जब हम भी क्रिकेट फील्ड में उपस्थित होते हैं, मैदान में होते हैं, तो कहीं ना कहीं खास तौर से कमेंट्री पैनल कैमरामैन के लिए भी क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि चतुर होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बढ़िया काम किया था, बिल्कुल फाइन लेग पे इस समय हम उपस्थित हैं, मौजूद हैं, बड़ी तेज़ी के साथ गेंद उनकी ओर आई थी, दुर्भाग्यपूर्ण से उन्होंने अपने आप को बचाया है, अच्छा काम जरूर किया है, क्योंकि कैमरा जो था वो बिल्कुल उनके सामने था, तो ऐसे में एक अच्छी चीज़ उन्होंने वहाँ जरूर की है, कैमरा को बचाया अपने हाथ में, उन्होंने गेंद जरूर ली है। और इस गेंदबाज ने पिछले ओवर में एक विकेट जरूर ली है, तनवीर सोफी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस मैच का आनंद वो ले रहे हैं। गौहर खान इस बार लेग स्टंप से बाहर, लेकिन पैड पे शायद एक गेंद लगी थी, इसलिए उन्होंने वाइड का इशारा भी नहीं दिया है, इसलिए भी लगातार लेग स्टंप से काफी बाहर थी, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो वाइड का इशारा होना चाहिए, और लेग स्टंप के आसपास दी, पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर ये जरूर गई थी, अंपायर ने वाइड का इशारा इसको जरूर दिया है। ये पारी का दसवां ओवर गौहर खान इस समय ला रहे हैं, ओवर द विकेट इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, पिछली गेंदें लगातार लेग स्टंप से बाहर, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर लगातार गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, और अब तक अपने नियंत्रण में नजर नहीं आ रहे हैं, हालांकि ये तो बिल्कुल ठीक ठाक ही गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं। पिछले ओवर में भी उन्होंने एक विकेट अच्छी ली है, लेकिन इस बार वो उतने अनुशासन से गेंदबाजी नहीं कर रहे। इस बार शॉर्ट गेंद थी, फायदा उठा नहीं पाए वहाँ, लेकिन गेंद गई लॉन्ग ऑन की ओर, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ उन्होंने एक रन दौड़कर पूरा किया है।
अगली बार फिर से आ रहे हैं गौहर खान और द विकेट। इस बार शॉर्ट गेंद थी, तेजी के साथ अंदर की ओर आई थी, गेंद को खेला वहां शॉर्ट्स के लेग पे, वहां खिलाड़ी मौजूद है, रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं बड़ा स्ट्रोक्स खेलने का, जैसा आपको मालूम है 196 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। ये वही जंगी रेडर्स, वही टीम है जिन्होंने हालिया दिनों में कश्मीर नाइट्स को भी मैच हराया था। और इस बार अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप से का आसपास से गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर की ओर आए थे, खेलना चाह रहे थे जोर, हालांकि बहुत ही निराश नजर आ रहे हैं अपने बल्लेबाजी से, क्योंकि अगर आप लगातार बड़े स्ट्रोक्स खेल नहीं पाएंगे तो फिर दबाव में आप निश्चित तौर पे चले जाते हैं। अगली बार फिर से हल्के कदमों के साथ, इस बार अच्छी गेंद वहां गाइड किए करने का प्रयास था, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है, एक अच्छी फील्डिंग वहां हुई है, पूरा अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लगातार डॉट गेंदे निकलती जा रही है, अगर ऐसे में अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं फिर आप दबाव में जरूर चले जाते हैं। इस बार क्लीन बॉल्ड, और ये लीजिए ये दूसरी विकेट इस गेंदबाज की, और उनकी गेंदबाजी को पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो रहा है। और इस बार बड़ी मछली जाल में जोर अब वापस जा रहे हैं, हालांकि दबाव उनके ऊपर तो जरूर है, ये मानना पड़ेगा। 196 रन, 96 रन जब आप बोर्ड पे लगते हैं, जब आप चीयर्स करते हैं तो फिर उतना आसान आपको नहीं लगता है। मैदान में चारों ओर दर्शक दिखाई दे रहे हैं और लगातार वो प्रयास जरूर कर रहे हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए, लेकिन अब तक अगर आप देखें उस तरह का क्रिकेट खेलने में असफल जरूर रहे हैं उनके खिलाड़ी। हार की जो धोनी है वो उन्हें लेकर जाती है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, एक गेम को जीतना एक गेम को हारना है। मोहम्मद शफी अब मैदान के अंदर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 10 नंबर की जर्सी में वो जरूर खेल रहे हैं, और इजाज इस समय अब स्ट्राइक पे हैं। हरियाणा के दो खिलाड़ी उनकी टीम में जरूर खेल रहे हैं, और ऐसे में जंगी रेड्स की जो टीम है ये काफी कमाल की टीम नजर आ रही है। ये पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है, गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है। जंगी रेड्स को किस प्लेयर ने अच्छा खेला है, जहां हरियाणा के जो दो खिलाड़ी थे वो उन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन कैसर लेफ्टी सर्वश्रेष्ठ रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने 6 छक्के लगाए थे अपनी पारी में कैसर लेफ्टी ने, तो ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी। इस बार खराब गेंद, सही नसीहत और गेंद को पूछा दर्शक दीर्घा में, बहुत ही कमाल का छक्का इस बार एजाज के बल्ले से, ये बहुत बढ़िया छक्का था, लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी, बैक फुट पे ये तैयार थे और गेंद को सरलता के साथ पहुंचाया दर्शक दीर्घा में। लगातार ये प्रयास कर रहे हैं बड़ा स्ट्रोक्स खेलने का, अगर उनका कोई अच्छी तरह से साथ देते तो मुझे लग रहा है कि ये मैच में अभी भी ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है इजाज के लिए। अब और दो विकेट आ रहे हैं, इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, गेंद गई शॉर्ट कवर की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये खिलाड़ी जो बाहर के स्टेट से हैं वो वही खिलाड़ी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं जो और दो विकेट स्पिन कर रहे हैं। और इस बार फिर से गेंद को निकाला, गेंद हवा में, और एक बार फिर से गेंद गई दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ इजाज के बल्ले से, और इस खिलाड़ी को आपने छुपाया कहां था, और उन्होंने कमाल के अब तक स्ट्रोक जरूर खेले हैं इजाज की अगर आप बात करें, और जब जब उनके बल्ले से संपर्क लगते हैं तो अमूमन ये बाहर ही जाते हैं मैदान से बाहर ही। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे हैं, डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये तीनों खिलाड़ी उन्होंने बिल्कुल सीमा रेखा पे रखे हैं। इस बार
गेंदबाजी में बदलाव जरूर लाए थे, तेजी के साथ गेंदबाजी इस बार की थी, लेकिन गेंद को खेला डीप पॉइंट की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ एक रन वहां पूरा हुआ है। अब मोहम्मद शफी अब गॉड लेते हुए अंपायर से, हालांकि पांच खिलाड़ी उन्होंने जरूर खोए हैं। ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है। अब मोहम्मद शफी सामना कर रहे हैं, इस बार अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल इस बार मिली, पढ़ने के बाद बहुत अच्छी तरह से वहां गेंद घूमती नजर आ रही है, और ऐसे में अगर लगातार आप इसी तरह की गेंदबाजी करेंगे तो फिर खेलना उतना आसान नहीं रहता है। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, इस बार फिर से शॉर्ट गेंद बैक फुट पे खेला, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन से यहां रोक नहीं पाएंगे, लगातार अब स्ट्राइक। ग्यारह ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन 6 विकेट के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम अभी भी इस पारी के 7 ओवर 11 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन 6 विकेट के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम अभी भी 150 रन उनको बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। हालांकि 7 ओवर का खेल यहां से बचा है, और मुश्किल चीज उनके लिए यह भी है कि उन्होंने विकेट जरूर खोए हैं। गौहर खान फिर से आ रहे हैं ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए, एक विचलित एक्शन उनके हैं, इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ एक रन वहां पूरा किया, इस एक रन के साथ 86 रन बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम। आज दोपहर टॉस उनके ही कप्तान ने जीता था, उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, इस बार गेंद को निकाला डीप फील्ड की ओर, एक अच्छी फील्डिंग वहां जरूर हुए हैं, कुछ रन उन्होंने जरूर बचाए हैं टीम के लिए, इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। सतासी रन 6 विकेट के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इजाज और मोहम्मद शफी इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, बैक फुट पे जाकर गेंद को दिशा भरना चाह रहे थे, लेकिन इस बार गैप ढूंढने में कामयाब नहीं हुए, गेंद गई शॉर्ट कवर पे जहां उर्फी मौजूद हैं, रन बनाने का संभावना नहीं। ये पारी का 11वां ओवर 87 रन 6 विकेट के नुकसान पे, अगली बार इस बार अच्छी गेंद, जड में गेंद थी, सम्मान के साथ गेंद को खेला, गेंद गई फिर से लॉन्ग ऑफ की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ फिर से तैयारी कर रहे हैं मोहम्मद शफी, जो सामना करेंगे स्पिनर का। इस बार अच्छी गेंद, ज्यादा मालूम नहीं था, बाकी चले रहे बल्ले से काफी नजदीक से ये गेंद जरूर गई थी। अब यहां से बड़े स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत है अगर उनको इस मैच को जीवित रखना है अपने आप के लिए, तो कहीं ना कहीं यहां से अब बड़े स्ट्रोक जरूर खेलने होंगे अगली बार फिर से। इस बार क्लीन बॉल्ड, और ये लीजिए इस गेंदबाज ने आज कमाल ही किया है अपनी टीम के लिए, और ये तीसरी विकेट उन्होंने जरूर दिलाई है अपनी टीम के लिए। मोहम्मद शफी जो है वो अब वापस जा रहे हैं, हालांकि अभी अभी आए हैं वो, लेकिन एक खराब शॉट उन्होंने जरूर खेला है, और उसका जो खामियाजा है वो आपको हमेशा भुगतना पड़ता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें जर्गी रेड्स के जो खिलाड़ी हैं, जो उनके टीम के खिलाड़ी हैं, वो बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं, और क्यों नहीं, वो जानते हैं जीत की अहमियत। जहांगीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और कुछ व्यूअर्स से भी हमारी बातचीत हो,
कोशिश करेंगे क्या वो लिखेंगे। इट इज़ आरडी लिख रहे हैं, क्या बासित डार आज जंगी रेडर्स के लिए खेल रहे हैं। बासित डार कहाँ पे फील्डिंग कर रहे हैं? बासित डार इस टीम का हिस्सा है लेकिन वो आज के फाइनल का हिस्सा नहीं है। वो डगआउट में इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि मेरी जानकारी आप तक जरूर पहुंची होगी। एजाज और जहांगीर अभी अभी आए हैं। एजाज तो उन्होंने खैर तो एक अच्छी पारी जरूर खेली है लेकिन जहांगीर अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 90 रन बोर्ड पे हैं, 12 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। उमर गाजी अब मैदान के अंदर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। साइड स्क्रीन एंड से वो गेंदबाजी करेंगे, हल्के कदमों के साथ ओवर द विकेट आ रहे हैं। इस बार अंदरूनी सिरा लगा थर्ड मैन की ओर, वहां खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, हालांकि जानबूझ कर तो उन्होंने ये स्ट्रोक नहीं खेला है, यह गेंद को वो एक्स्ट्रा कवर की ओर खेलना चाह रहे थे। इस बार अंदरूनी बाग लगा, यहां महत्व रनों का है क्रिकेट में और इसलिए रन चाहे हेलमेट से भी क्यों ना है, रन आने चाहिए। उनके दृष्टिकोण की अगर आप बात करें तो इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 93 रन, ये पारी का 13वां ओवर। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और एक कैच वहां ड्रॉप जरूर किया गया है, एक आसान कैच। काफी देर तक गेंद हवा में जरूर रही थी, कैच लेना चाहिए लेकिन इस बार उन्होंने ये कैच नहीं लिया है। एक जीवनदान वहां एजाज को जरूर मिला है। अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं जहांगीर जो इस समय अंपायर से गॉड लेते हुए। इस बार बढ़िया गेंद थी, अच्छा शॉट जरूर खेला, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। आसानी के साथ दौड़कर एक रन पूरा किया, इस एक रन के साथ 95 रन बोर्ड पे 7 विकेटों के नुकसान पे। इस बार फिर से खराब गेंद, सही नसीहत देने में इस बार ये कामयाब नहीं हुए हैं। गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की ओर और एक और अच्छा शॉट वहां खेलता नजर आ रहा है खिलाड़ी, लेकिन अब सिंगल डबल से काम चलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश होनी चाहिए बड़ा स्ट्रोक उस खेलने की, और इस बार बढ़िया स्ट्रोक बल्ले से बढ़िया तरीके से आई लेकिन रोकने में वहां प्रयास कर रहे हैं जब तक वो गेंद को रोक पाएंगे। आसानी के साथ 2 रन उन्होंने अर्जित किए हैं, इन 2 रनों के साथ 97 रन बोर्ड के ऊपर। जाहिद मकबूल लिख रहे हैं फाइनल में चेज करना ठीक नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, फाइनल में अमूमन दबाव जरूर होता है। इस बार गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी और इस बार कोई गलती नहीं की वहां खिलाड़ी ने, और उमर गाजी के हित में यहां एक विकेट मिलती हुई, और जहांगीर जो अभी अभी आए थे वो भी निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। 97 रन 8 विकेटों के नुकसान पे बाबर ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम उमर गाजी ने विकेट दिलाई है अपनी टीम को, और शायद जो वादिया कश्मीर का एक बड़ा नाम है उर्फी, शायद वो अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। जहांगीर अब वापस जा रहे हैं मैदान से बाहर। लगातार प्रयास कर रहे हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने का, और जैसे जैसे विकेट गिरती नजर आई आ रही हैं और दबाव निश्चित तौर के उनके ऊपर बढ़ता नजर आएगा जैसा आप अमूमन देखते हैं। 8 विकेटों के नुकसान पे यहां बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम। शबीर आए हैं अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर, हालांकि एजाज इस समय स्ट्राइक पे हैं और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाह रहे थे लेकिन इस बार बल्ले और बैट के बीच उतना अच्छा संपर्क नहीं लगा है। जाहिद मकबूल लिख रहे हैं क्या है एजाज बोली बट वन मैन और मी, कोई साथ नहीं दिया है। एजाज ने एक अच्छी पारी खेली है ये मानना पड़ेगा, अगले खिलाड़ी ने किसी ने साथ नहीं दिया। अभी तक भी वो लड़ते नजर आ रहे हैं, उन्होंने
तीन छक्के और कुछ चौके भी अब तक जड़े हैं, लेकिन अगर दूसरे छोर से उसको साथ नहीं दिया जाता है तो फिर हमेशा दबाव में नजर आते हैं, जैसा आपने हमेशा देखा होगा। डार अभी जो श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं, हमेशा उनके साथ बातचीत होती है। लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम लवली, आप बहुत मिस कर रहा हूँ, लव यूर कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और एक और छक्का, गिन गई दर्शक दीर्घा में, इजाज के बल्ले से ये चौथा छक्का निकलता हुआ, चीते की तरह वो खुद ही इस समय उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं, हार जीत का यहाँ फैसला किया जा रहा है। इजाज ने अब तक बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेले हैं, ये उनकी पारी का चौथा छक्का, 108 रन 8 विकेटों के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम। हालांकि उनके कप्तान ने आज दोपहर टॉस जरूर जीता था, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, हालांकि उन्होंने शायद ये सोचा था कि हालिया दिनों में वर्षा बहुत ज्यादा हुई थी, गेंद रुक के आएगी। और इस बार एक कड़ा स्ट्रोक और गेंद मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का एजाज के बल्ले से, और एजाज के बल्ले से ये पांचवा छक्का निकलता हुआ। अब तक एकमात्र खिलाड़ी, अगर आप बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की बात करें, जिन्होंने बहुत देर तक इस समय वो मैदान के अंदर खेल रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात जिस तरह से उन्होंने रन बनाए हैं, और ये देख के अच्छा लगा क्योंकि अभी भी लड़ाई कर रहे हैं हार जीत का वो। अपरवट 11 के ओनर जीशान साहब इस समय इस बार गाइड किया फील्डिंग के साथ, वो इस समय खिलवाड़ कर रहे हैं, पिछले दो छक्के एक मिड विकेट के ऊपर से और एक छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से इस बार गाइड किया था। जैसा मैंने कहा है कि खिलवाड़ किया जा रहा है फील्डिंग के साथ, और इसी के साथ उन्होंने अर्धशतकीय पारी भी पूरी की है। हालांकि उन्होंने उतने खुशी का यहाँ नहीं बनाया है, उतनी बड़ी खुशी उन्होंने यहाँ नहीं बनाई है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी भी हम जीत के बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। ओवर द विकेट, इस बार अच्छी गेंद फिर से गाइड किया, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, वहाँ गेंद को फील्ड किया जा रहा है, रन बनाने का संभावना नहीं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति भी यहाँ जरूर हुई है, 14 ओवर की समाप्ति के बाद 126 रन 8 विकेटों के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम। इजाज अब तक एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली है, और अब तक भी वो पूरी तरह से मैदान के अंदर मौजूद है, हार जीत का वही फैसला तय करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अगर उसको किसी खिलाड़ी ने अच्छा साथ दिया होता शुरुआत में तो ये स्थिति ना होती उनकी टीम के लिए, लेकिन क्रिकेट अगर मगर की कहानियां नहीं चलती हैं, और क्रिकेट में हमेशा आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना पड़ता है। अब नए गेंदबाज को गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, इस बार अच्छी गेंद रफ्तार के साथ एक गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, और अगर इस गेंद के साथ उनको हल्की सी स्विंग प्राप्त होती है तो फिर उतना आसान नहीं रहेगा किसी भी बल्लेबाज के लिए। इजाज अपने खिलाड़ी के पास जरूर गए हैं, बातचीत वो जरूर कर रहे हैं उनके साथ कि आप मुझे स्ट्राइक दे, हट बढ़ाने की वहां जरूरत नहीं है। ये पारी का 15वां ओवर इस समय डाल रहे हैं, ओवर द विकेट, इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, पुल करना चाह रहे थे, हालांकि आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक नहीं था। यहाँ के आए हुए दर्शक इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं, जंगीर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल इस समय खेला जा रहा है, बहुत ही कड़ा मुकाबला चल रहा है। इजाज इस समय मैदान के अंदर उपस्थित मौजूद हैं, अभी भी उन्होंने एक शतकीय पारी अर्धशतकीय पारी जरूर खेली थी, इस बार उठाकर खेलना चाह रहे थे, इस बार बल्ले पे उतनी अच्छी गेंद नहीं आई है, गेंद गई लॉन्ग ऑन की और वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर पूरा किया है। इस एक रन के साथ 115 रन बोर्ड पे, ऑफ साइड पे उन्होंने तीन खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, थर्ड मैन डीप पॉइंट, और इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला गया डीप फाइनल के ऊपर से, दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए,
और यह तो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, जितनी तेज ये गेंद थी उतना ही तेज स्ट्रोक खेला गया, डीप फाइन लेग के ऊपर से करारा स्ट्रोक था। इस 4 रन के साथ 119 रन बोर्ड के ऊपर ये पारी का 15वां ओवर इस समय चल रहा है। मगरेपुरा के मैदान से इस समय हम आपके साथ उपस्थित हैं। इस बार लंगोर की ओर से इस बार ये शॉट खेला था, ठीक उनके सामने ये गेंद गिरी, कैच लेने का प्रयास जरूर किया जा रहा था लेकिन उतना अच्छा प्रयास नहीं था कि वो इस कैच को लपक पाए। इस एक रन के साथ 120 रन 8 विकेटों के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम जंगी रेड्स अब उतने दूर नहीं है इस जीत के साथ। इस बार ऑफ स्टंप के आसपास गेंद थी, कीपर भी वहां झुकते नजर आ रहे हैं, थर्ड मैन का खिलाड़ी उनके पीछे दौड़ रहे हैं और जब तक वो फील्ड कर पाते बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। कुल मिला के 2 रन आए हैं इन 2 रनों के साथ 122 रन बोर्ड के ऊपर, अभी भी 74 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 19 गेंदों में 74 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 124 रन बोर्ड के ऊपर हैं। ये पारी का 15वां ओवर इस समय चल रहा है। एक बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन उनके सामने ये गेंद गिरी थी जो लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे, आसानी के साथ दौड़कर एक रन पूरा किया है। जहां मैंने अपने व्यूवर्स को बोला था कि मगरेपुरा से मैं हूं लेकिन वो लिख रहे हैं कि वारपुरा से, जहां तक मुझे सूचित किया जा रहा है वारपुरा के मैदान से हम आपके साथ इस समय उपस्थित हैं। मगरेपुरा के मैदान से जहां पे जंगीर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच आज इस समय चल रहा है, जंगीर रेड्स बनाम बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। अब गेंदबाजी में बदलाव किया जा रहा है, उर्फी अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। बल्ले से आज उन्होंने एक छक्का 2 चौके ही लगाए हैं, तो इस पारी के अब 18 गेंदें और बचे हैं। फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं। डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। इस बार पहले ही फ्लाइट गेंद थी, उठाकर खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद गई डीप फाइन लेग की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ दौड़कर एक रन पूरा किया है। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 127 रन 8 विकेट के नुकसान पे उर्फी फिर से आ रहे हैं। ओवर द विकेट इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को खेला गली क्षेत्र की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 127 रन 8 विकेट के नुकसान पे। इस बार फ्लाइटेड गेंद कवर के ऊपर से 2 टापे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, एजाज के बल्ले से एक और चौका। इस चौके के साथ 131 रन बोर्ड पे 8 विकेट के नुकसान पे उर्फी की यह फ्लाई की गेंद थी, निमंत्रण था बड़ा स्ट्रोक खेलने का, कोई गलती नहीं की, एक बढ़िया क्या स्ट्रोक वहां लिया गया गेंद बाउंड्री के बाहर। इस बार गति परिवर्तन जरूर किया था, अपील हो रहे हैं वहां अंपायर से लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं उस अपील का। एजाज अब तक एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है, अभी भी उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी भी पूरी की है। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को खेला डीप फाइन लेग की और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ एजाज के बल्ले से और इस छक्के के साथ 137 रन बोर्ड पे ये पारी का 16वां ओवर इस समय उर्फी जरूर कर रहे हैं। इस खिलाड़ी ने तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन जरूर किया है ये मानना ही पड़ेगा लेकिन किसी और खिलाड़ी ने उनका सहयोग नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया है अन्यथा ये मैच में। और इस बार बढ़िया अपील हो रहे हैं, लेग स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद थी तो नियमानुसार बिल्कुल आउट नहीं दे सकते हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति के बाद 137 रन
8 विकेटों के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम। जानगी रेड्स अब ज्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है जीत के लिए। हरियाणा का जो गेंदबाज है जो जानगी रेड्स के साथ खेल रहे हैं वही इस समय आपके स्क्रीन के सामने है। 137 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं पिछले ओवर पे और फिर का ओवर महंगा साबित जरूर हुआ है। गेंदबाज ओवर द विकेट आ रहे हैं, इस बार बढ़िया गेंद, गति अच्छी है उनके पास। इस गति के साथ खेलना उतना आसान नहीं रहेगा इस खिलाड़ी के लिए। हालांकि नौ सिकिंग एंड पे जो एजाज मौजूद हैं तकरीबन वो 70 रन बना के नाबाद हैं। उन्होंने एक कमाल की पारी खेली है, एकमात्र खिलाड़ी बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की ओर से जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली है, बाकी सभी खिलाड़ियों ने निराश किया है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रखते हैं, ये आपके पाले में गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये बले बांधती जानते हैं। और अगर आप जानगी रेड्स की बात करें, वो कैसर लेफ्टी की वो पारी जिन्होंने 6 छक्के उन्होंने जो वो पारी खेली है काफ़ी तारीफ होनी चाहिए उस पारी की, और यही एक कारण भी है कि वो उस मुकाम पे जाके ज़रूर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी अपनी पारी में 6 छक्के लगाए थे, तो ऐसे में वो पारी बहुत बढ़िया थी उनकी दृष्टिकोण से अगर आप बातचीत करें तो। एजाज अभी भी 9 सिकिंग रन पे मौजूद हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं स्ट्राइक पे लाने का। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गैप में खेला गया स्ट्रोक डीप मिडविकेट के ऊपर से, दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 141 रन बोर्ड पे, 8 विकेटों के नुकसान पे ये पारी का 17वां ओवर इस समय डाल रहे हैं। 141 रन बोर्ड पे आहिस्ता आहिस्ता जीत की जो महक है वो अब आने लगी है उनको, क्योंकि वो जानते हैं जानगी रेड्स हम अब जीत के उतने ज्यादा दूर नहीं है। शाह दानिश ग्रेट लिसनर है कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के, उसके साथ साथ अजहर शाह मीर, साहिल मीर और के एम जुबैर के साथ साथ परवेज नायकू के साथ शेख रईस इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार ओवर पिच गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, गेंद की डिप स्क्वायर लेग की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद उमर गाजी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया आसानी के साथ, दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 145 रन बोर्ड पे 196 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। और आप बने रहें हमारे साथ, कुछ बड़े खिलाड़ियों से हम बातचीत जरूर करेंगे इस मैच आउट के आउट होने के बाद। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद जो है वो ठीक अच्छी जगह पे गिरी जहां खिलाड़ी को तैनात नहीं किया जा रहा था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति के बाद 146 रन 8 विकेटों के नुकसान पे। आज दोपहर टॉस जीता था बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब ने, जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और शायद उनको यह एहसास था कि जानगी रेड्स को हम बहुत नीचे पे रोकेंगे तब जाके हम अच्छी तरह से वहां चीयर्स करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसर लेफ्टी की जो वो पारी खेली है उन्होंने इस मैच को पूरी तरह से बदल के रखा है। हालांकि वो काफ़ी देर से आए थे मैदान के अंदर, करीबन वो 14वें ओवर में आए थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छी पारी ज़रूर खेली थी। अब कैसर लेफ्टी ही अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं स्क्रीन एंड से, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक एजाज के बल्ले से, उमर गाजी वहां मौजूद है, रोकने में असफल, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका एजाज के बल्ले से, हालांकि एजाज अभी भी उनकी टीम जीत से बहुत ज़्यादा दूर है ऐसा मानना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पारी खेली है उसकी सराहना हम ज़रूर करते हैं। एजाज अगली बार फिर से सामना कर रहे हैं ओवर द विकेट, और इस बार उतना अच्छा स्ट्रोक नहीं था, गेंद हवा में, और इस बार कोई गलती नहीं है, लेकिन एक अच्छी पारी हुई समाप्त, जितनी सराहना करें उतनी कम। और आइए चलते हैं, मैं आपको दृश्य दिखाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। एजाज की एक शानदार पारी हुई समाप्त, हालांकि अपनी टीम को वो जिता नहीं पाए हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन
एक कमाल की पारी उन्होंने जरूर खेली है। ये वन मैन आर्मी जिसको आप कहते हैं ना, तो बिल्कुल एजाज ने वही प्रदर्शन किया है। ये कमेंट्री बॉक्स है जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये लीजिए, ये मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरामैन जो ऑफिशियल कैमरामैन होते हैं मैच के, वो भी काफी का बढ़िया कार्य जरूर करते हैं, तब जाके इवेंट को इस मुकाम पे लाया जाता है। एक सौ 146 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 9 विकेट के नुकसान पे बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की टीम। इस बार अच्छी गेंद, झट में यह गेंद थी, सम्मान के साथ गेंद को खेला, शॉर्ट कवर की ओर से रन बनाने का संभावना नहीं है। लगातार जो है विकेट उनकी गिरती नजर आ रही थी, मुझे लग रहा है कि यही एक कारण भी है कि वहाँ उन्होंने उतना बड़ा लक्ष्य उनके सामने नहीं रखा है। कैसर लेफ्टी अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार अच्छी गेंद, युवा खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर है जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हालांकि उनके चेहरे पे जो हंसी है वो काफ़ी कुछ बयान भी जरूर कर रही है। निसार मलिंगा इस मैदान में उपस्थित जरूर हैं, मौजूद जरूर हैं, लेकिन वो आज इस फाइनल में जगह अपनी बना नहीं पाए। हालांकि शायद उन्होंने खुद ये फैसला लिया है कि मैं इस फाइनल का हिस्सा नहीं होऊंगा वो, लेकिन मैदान में वो ज़रूर हैं। मैदान के अंदर निसार लेफ्टी, निसार मलिंगा ज़रूर मौजूद हैं। कैसर लेफ्टी की ये गेंद, अच्छा शॉट खेला गया डीप फाइनल के ऊपर से, दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ 150 रन बोर्ड के ऊपर, हालांकि जीत के ये बहुत ज्यादा दूर हैं, लेकिन लगातार अगर आप विकेट खोते हैं तो फिर अमूमन इस तरह की दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं। कैसर लेफ्टी आज के हीरो, आज के मैच के हीरो, और इस बार LBW का इशारा और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, और उंगली खड़ी होती हुई, और इसी के साथ ये 10वीं विकेट का पतन होता हुआ। और ये जो खिलाड़ी हैं, कुछ लोकप्रिय चेहरे आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, और कैसर लेफ्टी आज के मैच के हीरो, कैसर लेफ्टी, और ये लीजिए आज के मैच के हीरो, उनके साथ साथ उर्फी जो वादिया कश्मीर के दिग्गज खिलाड़ी हैं। कैसर भाई से हम जरूर बातचीत करना चाहेंगे थोड़े समय के बाद, क्योंकि आप इस मैच के प्रबल दावेदार भी हैं। जी हाँ, जानगी रेड्स की जो ये टीम है वो अब इस टूर्नामेंट की विजेता रही है। और आइए चलते हैं, कैसर भाई से हम बातचीत करते हैं, और आज के हीरो हैं ये निश्चित तौर पे। पहले उनके बल्ले से भी रन निकले हैं और अब गेंदबाजी से भी उन्होंने कमाल किया है। सबसे पहले कैसर भाई, जीत के लिए बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से हमने ये मैच जीता है, और प्लेयर्स हमारे प्लेयर्स पूरी टीम ने पूरे टीम एफर्ट के साथ खेला है। कैसर भाई, आप पारी के 14वें ओवर में मैदान के अंदर आए थे, उतना आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के, लेकिन आप आकर बढ़िया प्रदर्शन किया है, एक लाजवाब पारी खेली है और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक लाके खड़ा किया। जी हाँ, देखिए जिस सिचुएशन में आया था उस वक्त थोड़ा विकेट गिरा था, तो पहले जो 6 ओवर हमारे गए थे, 6 ओवर के बाद हमारी जो पार्टनरशिप रही लक्ष्य और जावेद की, वो अच्छी रही थी, उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था, लेकिन उसके बाद हमारी विकेट गिरी, 2-3 विकेट गिरे, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि थोड़ा विकेट भी ऐसा था, थोड़ा स्लो आ रहा था बॉल, मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम लेना है, उसके बाद खेलना है। कैसर भाई, किस तरह से देख रहे हैं आपकी टीम हालिया दिनों में, नॉर्थ कश्मीर लगातार चर्चाओं में रहे, हालिया दिनों में आपने कश्मीर नाइट्स को भी हराया है और एक बार फिर आप फाइनल जीत रहे हैं, कैसी फीलिंग होती है खिलाड़ी के तौर पर? जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हम सब लड़के बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़कों की मेहनत है, सब लड़के मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला फिर कामयाबी देते हैं। चलो हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया, एंजॉय करें इस जीत को, आज के मैच के हीरो हमारे साथ इस समय बातचीत कर रहे थे, और जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं काफी खुश नजर आ रही है जंगी रेड्स की टीम, और कहीं ना कहीं ये जीत के प्रबल दावेदार उनको माने जाते हैं।
कैसर लेफ्टी आज के मैन ऑफ द मैच के ये प्रबल दावेदार होंगे। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट तौर पे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है। और आइए चलते हैं आपको प्रेजेंटेशन की ओर मैं लिए चलता हूं। बाबा ऋषि क्रिकेट क्लब की जो टीम है उन्होंने उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सफल गेंदबाज जो है जमीन रहे थे जिन्होंने 4 विकेट लिए और साथ साथ अगर बात की जाए और ये लीजिए ये टीम जो है आज उन्होंने उतनी अच्छी पारी नहीं खेली है। और ये जो है फाइनल सर में थे कैसर लेफ्टी जो है मैन ऑफ द मैच है। और दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। और ऐसे में मैदान के अंदर खबर यही है कि जंगी रेड्स की जो टीम है उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन ज़रूर किया है और अपनी टीम को इस मुकाम पे लाके खड़ा किया। और मुझे लग रहा है कि अगर आप इस मुकाम तक पहुंचते हैं कोई भी टीम तो वो एक उपलब्धि ज़रूर होती है। और ये कुछ बड़े नाम आपके स्क्रीन के सामने हैं। फया सरवर वादिया कश्मीर के एक बढ़िया खिलाड़ी माने जाते हैं, उसके बगल में बिल्कुल बैठे हैं, जेडी के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि हमारे कुछ खास मेहमान भी इस समय प्रेजेंटेशन के दौरान आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है जब हमारे कमेंटेटर्स प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे हम आपको वो लाइव प्रसारण दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि नियम जो हमारे नियम होते हैं कि हम प्रेजेंटेशन अलग करते हैं, जो मैच हैं वो अलग हुआ था। तो खबर ये है कि जंगी रेड्स ने जंगी T20 चैंपियनशिप अपने नाम किया है। थोड़े समय के बाद हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें।